नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ ते डिजिटल लिटरेसी रिलेटेड पहला काफ़ी क्लासेस मैं अपने चैनल पर तुम्हें प्रोवाइड करवा दी है। जो तुम वो क्लासेस नहीं देखी तो वीडियो के एंड में उन्होंने क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, एक बार इन्होंने क्लासेस में विजिट जरूर कर लियो। तो अज की क्लास में आप गल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बारे। तो सब तो पहले आप जान लेने कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS ऑफिस होंगे कि यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, मतलब यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होंगे दोस्तों, जिहड़ा कि माइक्रोसॉफ्ट वालों इंट्रोड्यूस करवाया गया सी। एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की खोज की गल करिए 1999 ईस्वी में सब तो पहला जो माइक्रोसॉफ्ट बनाया गया सी, केड़ी कंपनी वास्ते बनाया गया सी, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम वास्ते यह सॉफ्टवेयर तैयार किया गया सी। सिर्फ एप्पल कंपनी के डिवाइसेस विच ही यह सॉफ्टवेयर जिहड़ा, जो तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को पता लगे कि एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम यह MS ऑफिस बिल्कुल सही चली जाता है, तो अगले ही साल 1990 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ वास्ते भी जिहड़ा MS ऑफिस रिलीज़ करता सी। मतलब 1990 ईस्वी में जिहड़ा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी MS ऑफिस यूज़ किया जाने लग्या। तो इस तो अलावा विंडोज़ जिहड़े आपां लैपटॉप या मोबाइल विंडो यूज़ कर सकते हैं, यह 1990 ईस्वी में ही जिहड़ा MS ऑफिस का निर्माण होया सी। उसके थ्रू ही आपां माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटर सिस्टम या विंडो विच MS ऑफिस नूं यूज़ कर सकते हैं। हुण आपां गल करिए MS ऑफिस नूं पैकेज दे रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस विच तीन सॉफ्टवेयर आपां नूं देखण नूं मिल जाते हैं। MS वर्ड देखण नूं मिल जाता है, MS एक्सल देखण नूं मिल जाता है, तो MS पावरपॉइंट। तो हुण आपां इन्हां तिन्हां टॉपिकां बारे क्लीयरली गल करांगे। सब तो पहले आपां गल कर लेने MS वर्ड की। उस तो पहले एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन तुहाडे लई, जे तुसीं डिजिटल लिटरेसी कंप्यूटर पोलिटी एंड जनरल साइंस रिलेटड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय करना चाहते हो जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है, तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इस पर मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी लैके फिर तुसी इस इंपोर्टेंट PDF फाइल में बाय कर सकते हो। काफ़ी कैंडीडेट्स ने यह PDF फाइल ऑलरेडी बाय कर ली है। जो तुम भी अपने एग्जाम की तैयारी में परफेक्ट बनाना चाहते हो तो इस PDF फाइल में जरूर एक बार बाय कर लियो। ओके दोस्तों, हम आप अगे गल करिए MS वर्ड की। तो सब तो पहले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि MS वर्ड में आप कुछ कर सकते हैं। वो ऑप्शन दिए होंगे जिन्हों में अपन याद रखना होगा कि MS वर्ड में आप वर्ड प्रोसैसिंग कर सकते हैं, रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं अपना, तो डैस्कटॉप पबलिशिंग कर सकते हैं। जिमें डैस्कटॉप पबलिशिंग तो की मतलब है, आप बच्चों की बुक देखते हैं उस विच फोटोज़ नाल होंगी है, तो नाल कोई पोइम वगैरह लिखी होंगी है, उसनों आप डैस्कटॉप पबलिशिंग कह दें। इस तरह काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा गया कि MS वर्ड में कुल कितने नंबर्स ऑफ बार होंगे ने। बार दोस्तों 5 होंगे ने टोटल। तो हम आप जान लें कि आखिर यह बार होंगे कि MS वर्ड में। तो दोस्तों जो आप MS वर्ड ओपन कर लें तो इस तरह का जो आप लेआउट यानी स्क्रीन देखने को मिलती है। तो इस विच 5 जो बार ने वह मैं तुम्हें समझा देना कि होंगे ने, इन्हों का काम की होंगे। तो सब तो पहले रूलर बार की गल करिए, आप इतने देख सकते हैं यह जो स्केल जो दिख रहा आप, इसनों आप रूलर बार कह दें। इस नाल आप पेज में जोड़े ये पेज है वाइट पेज है, इसनों आप सैट कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, यानी लेंथ या हाइट इसकी डिस्क्रीज या इनक्रीज कर सकते हैं। तो इधर भी यही आप देखने को मिल जाता है, तो इसनों आप रूलर बार कहने। इस तो अलावा आप उपर ब्लू लाइन में आह कुछ आप फीचर देख सकते हैं, यह जिहड़ा सारा यह फीचर ने यह पूरा रिवन कहते हैं वैसे तो इनू, पर इसनों आप टाइटल बार के नाम नाल जानते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के ही बनते हैं कि टोटल कितने बार होंगे ने, रूलर बार का काम की होंगे, टाइटल बार का की काम होंगे, स्क्रोल बार का की काम होंगे। तो करके इसमें ध्यान नाल एक बार देख लो, तो अपने नोटबुक उत्ते इसे ड्रॉ करके एक पेंसिल या पेन नाल उसके जोड़े फीचर आप नोट कर लें, कि अपने ईजीली अपने माइंड में यह गल सैट हो जाए। तो हम आप गल करिए स्क्रोल बार की। स्क्रोल बार दोस्तों एक देख सकते हो, जो आप पेज नीचे करना है तो इस आप क्लिक करा तो नीचे स्क्रोल कर देंगे, तो इसमें आप स्क्रोल बार के नाम जानते हैं। टाइटल बार देखा से कितने है, उसके नीचे वाला सारा यह बॉक्स इतों तक यह सारा जोड़ा है, इसमें आप मीनू बार कह दें। इस तो अलावा नीचे जरा स्टेटस बार, इसमें आप कहने जोड़ा भी यह लाइन है इतने आप चैक कर सकते हैं, इस पूरी लाइन तो जो सारी लाइन में आप स्टेटस बार कह दें। स्टेटस बार का की काम होंगे दोस्तों, जिन्हें भी पेज से आप वर्क किया है, जो हूँ एक पेज फिल हो गया उस तो बाद आप सैकेंड पेज यूज करने लग जाने तो वह पूरी काउंटिंग इतने नीचे अपन शो होंगी रहती है। तो मेन काम जिहड़ा स्टेटस बार का होंगे पेज काउंट करना होंगे कि किन्ने पेज से आप वर्क कर चुके हैं। दोस्तों इस अलावा स्टेटस बार में अपन जूमिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब इसकी मिनीम जूम कि होंगी 10% होंगी है, तो बाय डिफॉल्ट जी सैट रही है वह 100% इसकी
जूम सैट रहती है पेज, मतलब कि 100% तो जूम तो सैट हों, मैक्सीम जो आप जूम करना चाहिए तो कि हो सकता तो 500% तक यह जूम हो जाता है। एग्जाम जूमिंग बारे भी काफ़ी बार पूछ लिया गया है, तो करके इस भी याद रखियो। और दोस्तों जी तुम धाकड़ क्रैश कोर्स बारे जानकारी लेना चाहते हो, जिस भी तुम्हें स्टडी मटीरियल तो ऑनलाइन क्लासेज साड़ी एप्लीकेशन थ्रू प्रोवाइड होनगियां, तो यह मेरा इंस्टाग्राम आईडी नंबर है, इस पर मैं फॉलो करके इस धाकड़ क्रैश कोर्स बारे भी जानकारी तुम ले सकते हो। ओके दोस्तों आप गल कर लेने एम एस ऑफिस का एक होर इंपोर्टेंट टॉपिक, नॉर्मली क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम इन्हों के रिलेटेड ही देखने को मिलेंगे, जिमें कि एक अपने तो सवाल पूछा गया होगा कि कंट्रोल प्लस एन का काम की होंगे, तो अपन ये सारे याद रखने ने, शॉर्टकट की ने, ये तो कंट्रोल प्लस एन की गल करिए न्यू पेज, जिमें आप कोई पेज से वर्क कर रहे हैं तो अपन एक होर नया पेज चाहिए है, तो कंट्रोल प्लस एन लिखागा तो नया पेज मेरे सामने आ जाएगा, फिर उससे मैं अदर काम अपना कर सकता टाइप कर सकता, तो कंट्रोल प्लस एन का काम की होंगे न्यू पेज क्रिएट करना, तो कंट्रोल प्लस ओ का गल करिए न्यू पेज ये ओपन करता है, मतलब साइड से अपन ऑप्शन आ जाता है जो आप कंट्रोल प्लस एन दबदे हाँ तो उसमें जो ओपन करना है तो नाल दी नाल आप कंट्रोल प्लस ओ दब के उस पेज में ओपन कर सकते हैं। इस तो अलावा कंट्रोल प्लस पी का काम होंगे जोड़ा भी आप जिमें काम किया हुआ यह लिखा हुआ है शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई है, जो इसमें मैं प्रिंट कढ़ाना तो मैं कंट्रोल प्लस पी नपाँगा तो प्रिंटर को कमांड दे देंगे तो प्रिंटर इसमें द प्रिंट कढ़ देगा, तो कंट्रोल प्लस एस का की काम होंगे जिमें यह सारा कुछ मैं लिखा हुआ जिसमें मैं सेव करना चाहता तो कंट्रोल प्लस एस दब के इसमें सेव कर सकता, तो कंट्रोल प्लस एक्स की गल करिए कॉपी करने वास्ते कोई भी आप जिहड़े लैटर लिखे ने जां कोई भी डाटा अपने पेज से लिखा है उसनों जे आपां कॉपी करना चाहुंदे आ तां कंट्रोल प्लस एस आपां नूं दबाउणा पवेगा। इस तों इलावा कंट्रोल प्लस बी की गल करिए पेस्ट करने वास्ते कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की जी यूज़ किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस वाई की गल करिए रीडू मतलब कि जो भी अपने डिलीट हो गया जां कट्टिया गया है जिवें कि मैं रीडू लिखा यह मैं कटता तो दोबारे मैं ये चाहिए तो रू कंट्रोल प्लस वाई नपाँगा तो वापस वह लैटरस या वह डिजिट आ जाएंगे तो रीडूस में कहें अंडू का भी सेम ही काम होंगे, डिलीट होया कोई भी फोटो या कुछ भी आप डिलीट करते हैं तो कंट्रोल प्लस जैड दब दो तो वापस अंडो हो जाता है। एंड जे आप फोंट विच कोई शॉर्टकट की यूज़ करके कोई चेंजस करना चाहते हो तो यह शॉर्टकट की अपन यूज़ करने पैणगे, जे आप बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वी अपन क्लिक करना पवेगा तो जो भी लैटर हो बोल्ड हो जाएंगे, मतलब यह नॉर्मल है तो इस तो थोड़े जो मोटे अक्षरों में यह बोल्ड हो जाएंगे, तो कंट्रोल प्लस आई का जे आप इटैलिक फोंट करने हैं मतलब कि टेढ़े मेढ़े जो करने हैं तो कंट्रोल प्लस आई आप नपांगे तो जोड़े अपने फोंट हो जोड़े भी लैटरस हो नंबरस हो सारे इटैलिक हो जाएंगे, तो कंट्रोल प्लस यू जी की होंगे अंडरलाइन इस तरह का जो आप कंट्रोल प्लस यू अपने कीबोर्ड तो दबदे हाँ तो इस तरह के नीचे लाइन अपन शो हो जाती है, तो इस तो अलावा कंट्रोल प्लस डी की गल करिए आप कंट्रोल प्लस डी दबदे हाँ तो डबल लाइन इस तरह की दो लाइन इतने शो हो जाए जो भी डिजिट के आप लैटर के नीचे आप लगानी है, तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू यानी बराबर की गल करिए सबस्क्रिप्ट शो हो जाता है, जिमें कि आप ऑक्सीजन लिखते हैं ऑक्सीजन टू लिखते हैं ओ टू लिखना पैंदा ओ टू लिखना पैंदा है, इस तरह के जिहड़े लैटर्स हुंदे ने जां ऑक्सीजन जां कुछ भी मतलब कि आप जिहदी पावर लिखते हुंदे आ है ना उस तरह का जे आप कुछ लिखना है तो आपां नूं कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबना पवेगा कीबोर्ड से फिर आपां नूं ये देखने को मिलेगा, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू की गल करिए सुपर स्क्रिप्ट जिमें कि आप एक हुण छोटा अक्षर लिख लिया दूआ दूआ की पावर आप तीन लिख दें इस तरह की जिहड़े आप डिजिट जे आप बनाने ने तो आपू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू की यूज़ करना पैंता है, तो कंट्रोल प्लस डबल्यू की गल करिए जिमें हूँ मैं एक काम तुम्हें समझा रहा जिमें इसमें इस विंडो को क्लोज करना चाहता तो कंट्रोल प्लस डबल्यू नपाँगा तो विंडो यह क्लोज हो जाएगी बंद हो जाएगी, तो कंट्रोल प्लस ब्रैकट इन की गल करिए मतलब ब्रैकट यह बंद हो रही है मतलब कि एक लैफ्ट साइड खुल रही है तो इस नाल की होंगे फोंट का साइज है जोड़ा वो इनक्रीज़ होंगे अक्षर मतलब कि जोड़े भी लिखा हुआ मैं ये बड़ा हो जाएगा, तो कंट्रोल प्लस जो ब्रैकेट नूं आपां बंद करते हैं यह साइन पाने तो फोंट का साइज जोड़ा डिस्क्रीज हो जाएगा मतलब कि अक्षर जोड़ा आकार होगा वो छोटा हो जाएगा। ओके दोस्तों अज तबीयत थोड़ी ठीक जी नहीं है इस करके इन्नी ही क्लास मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा सकाँगा, तो कल की क्लास में आप एक्सल और पावर पॉइंट बारे गल कर लेंगे, तो इस रिलेटेड एम सी क्यू की PDF फाइल जो तुम बाय करना चाहते हो तो आज इंस्टाग्राम से मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी लैके फिर तुम इस PDF फाइल में बाय कर सकते हो।